हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एलेक्स और एलेक्स एडिटिंग चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग ये फ़ोटो को रिटचिंग करेंगे, पूरा कंप्लीट रिटचिंग करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देख सकते हो कैसे क्लिक हुआ है फ़ोटो, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना फ़ोटो को लाइट रूम में लेके आना है। देख सकते हो कितना डार्क दिख रहा है अपना फ़ोटो। तो सबसे पहले क्या करना है, लाइट वाला टूल में जाना है, एक्सपोजर को बढ़ाना है। इससे आप अपना फ़ोटो का लाइट थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। हाईलाइट को हल्का सा कम करेंगे, शेडो को कुछ इतना बढ़ाएंगे 40 के आसपास। देख सकते हो अभी अपना लाइट एडजस्ट हो गया अच्छा से। वाइट को माइनस करेंगे, ब्लैक को हल्का सा बढ़ाएंगे कुछ इतना। इतना करने के बाद फिर क्या करना है, ये वाला टूल में जाना है। ये वाला टूल में जाने के बाद इसका टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ा देना है कुछ इतना। उसके बाद टेंट को हल्का सा बढ़ाना है 10 के आसपास। उसके बाद देख सकते हो कितना अच्छा से अपना फ़ोटो का लाइट एडजस्ट हो गया है। अभी क्या करना है आप लोगों को, ये सिंपली ये मिक्स वाला टूल में जाना है। यहाँ जाने के बाद ये ऑरेंज वाला इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसका सेचुरेशन को कुछ माइनस की तरफ रखना है। फिर लुमिनेंस को बढ़ाना है कुछ इतना। इतना करने के बाद ये येलो वाला कलर में जाना है। इसका सेचुरेशन को हल्का सा माइनस रखेंगे, ह्यू को पूरा माइनस कर देंगे। उसके बाद ग्रीन में जाना है, ग्रीन का ह्यू को पूरा माइनस कर देंगे, सेचुरेशन को बढ़ाएंगे। सॉरी, इसका सेचुरेशन बढ़ा लेते हैं कुछ इतना। उसके बाद ये वाला कलर में जाएंगे, इसका ह्यू को पूरा माइनस करेंगे। फिर ये वाला कलर में जाएंगे, इसका ह्यू को हल्का सा माइनस करेंगे, सेचुरेशन बढ़ाएंगे कुछ इतना। इतना करने के बाद सिंपली डन कर देना है। उसके बाद यहाँ वाइब्रेंस में आना है, वाइब्रेंस को कुछ इतना बढ़ा देना है। कुछ इतना करने के बाद ये वाला में जाना है। यहाँ से इसका शेडो को देखना है अपने फ़ोटो के हिसाब से, कुछ इतना रख देता हूँ मैं। उसके बाद ये हाइलाइट्स में जाना है, अपना कलर कुछ इतना। इतना करने के बाद सिंपली डन। अभी क्या करना है आप लोगों को, ये वाला टूल में जाना है। यहाँ से टेक्सचर माइनस कर देंगे ताकि अपना फ़ोटो स्मूथ हो जाए थोड़ा। देख सकते हो इतना करने के बाद क्लियरिटी हल्का सा बढ़ा देंगे। इसे बढ़ाने से अपना फ़ोटो में HDR लुक आ जाता है। इतना करने के बाद सिंपली बिगनेट में जाएंगे, बिगनेट को हल्का सा माइनस में रखेंगे कुछ इतना। इतना करने के बाद ये वाला टूल में जाएंगे। उसके बाद शार्पनिंग को बढ़ा देंगे कुछ इतना। इतना बढ़ाने के बाद नॉइज रिडक्शन में जाएंगे। इतना बढ़ा देंगे नॉइज रिडक्शन। फिर यहाँ जाएंगे, इसको इतना बढ़ा देंगे। उसके बाद सिंपली डन। अभी देख सकते हो कितना अच्छा से अपना फ़ोटो कलर ग्रेडिंग हो गया है। फिर अभी क्या करना है आप लोगों को, फिर से ये वाला टूल में जाएंगे। उसके बाद मिक्स टूल में जाने के बाद इसका सेचुरेशन को और थोड़ा बढ़ा देंगे कुछ इतना। सिंपली डन। अभी क्या करना है, अभी ये फ़ोटो को सेव कर देना है। सेव करने के बाद पिक्सआर्ट में ओपन करेंगे।
एडिटर फोटो में जाएंगे, उसके बाद अपना ये फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे, रोटेट कर लेता हूँ यहाँ से। अभी क्या करना है आप लोगों को, ये टूल में जाना है, उसके बाद एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद सैचुरेशन हल्का सा बढ़ा देना है कुछ इतना। इतना करने के बाद सिंपली राइट, अभी ब्यूटी में जाना है, उसके बाद स्किन टोन में जाना है। स्किन टोन थोड़ा सा स्किन टोन में जाने के बाद यहाँ ऑटो में क्लिक करना है। ऑटो में क्लिक करते ही देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा से अपना फेस का कितना फेस एडजस्ट हो गया है, कितना अच्छा तरीके से देख सकते हो। इतना करने के बाद सिंपली राइट, राइट। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, इफेक्ट में जाएंगे, उसके बाद ये ब्लर वाला में सेलेक्ट करेंगे। फिर क्या करना है, यहाँ से ब्रश को सेलेक्ट करेंगे, इरेजर को, उसके बाद इसे इन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ थोड़ा फोटो का ब्लर कर देते हैं कुछ इस टाइप से करना है। कुछ इस टाइप से करना है आप लोगों को। थोड़ा मेरा फोटो में ब्लर नहीं था तो बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर कर देते हैं। इतना करने के बाद सिंपली राइट, ऊपर से राइट, देख सकते हो अभी ब्लर हो गया है थोड़ा बैकग्राउंड। अभी क्या करना है, एक PNG ऐड करना है आप लोग। ये PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। ये वाला PNG को ऐड करना है। कुछ इस टाइप से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, उसके लिए ब्लेंड में जाएंगे, उसके बाद स्क्रीन कर देंगे इसको और कुछ हल्का सा बढ़ा देंगे कुछ इतना। इतना करने के बाद इसका ओपेसिटी को हल्का सा कम कर देंगे कुछ इतना, देख सकते हो अभी। सिंपली ऊपर से राइट, देख सकते हैं बिफोर आफ्टर कितना अच्छा लग रहा है अभी। उसके बाद अपना फोटो का फेस को थोड़ा स्मूथ करेंगे, उसके लिए और एक तो एप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो इसके लिए ये फ़ोटो को सेव कर लेते हैं, सिंपली ड्रॉ में जाएंगे। ड्रॉ में जाने के बाद 3 डॉट में क्लिक करेंगे, सेव फोटो कर देंगे। उसके बाद एडोब फोटोशॉप फिक्स का यूज करेंगे, यहाँ से अपना फोटो स्मूथ करेंगे। यहाँ से ऐड कर लेता हूँ मैं अपना फोटो, अभी जो सेव किए थे वो फोटो को देख सकते हो अपना फेस कैसे दिख रहा है। इसके लिए क्या करना है, अपना स्मूथ में जाना है, उसके बाद जहाँ जहाँ स्मूथ करना है कुछ स्टेप से ब्रश कर देना है, कुछ स्टेप से करना है। देख सकते हो कितना अच्छा से स्मूथ हो गया अपना फेस।
इतना करने के बाद सिंपली राइट, अभी अपना फोटो बनके रेडी हो गया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।